दोस्तों आज देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ। उसके बाद जैसे कि एडनबर्ग का न्यूज आया था और मार्केट को बहुत झटका लगने वाला था, ऐसे एडनबर्ग का कहना था। लेकिन आपने आज का मार्केट देखा तो जो एडनबर्ग ने सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशन किए थे और अडानी के ऊपर भी, तो इसका क्या असर हुआ हमारे मार्केट के ऊपर और आगे जाके मार्केट कैसे रहेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट रिव्यू। मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 13 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि मूवमेंट होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हम लोग हिडन रंग का जो ये हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था, उसके बारे में भी पहले बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख से हमारा एडवांस फ्यूचर ऑप्शन का कोर्स शुरू हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन के बारे में इन डेप्थ में बताने वाला हूँ लाइव मार्केट में। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के मार्केट से। तो आज का मार्केट है, निफ्टी 20 पॉइंट माइनस है और बैंक निफ्टी 93 पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि वीकेंड में बहुत न्यूज चल रहा था कि जैसे कि एडनबर्ग ने सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशन लगाया और जैसे कि अडानी के जो स्टॉक है वो बहुत गिरने वाले हैं और मार्केट को झटका लगने वाला है। लेकिन हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या रिएक्शन किया है, न्यूट्रल रिएक्शन। यानी अगर निफ्टी 20 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो मार्केट ने ये न्यूज को न्यूट्रल रिएक्शन दिया है। कभी भी देखो, मार्केट का एक थंब रूल है कि कोई भी न्यूज आता है तो मार्केट उसको एक ही बार रिएक्ट करता है, जो कि पहले टाइम पूरे मार्केट के ऊपर और अडानी के शेयर के ऊपर भी किया था। लेकिन बार बार न्यूज आता है तो मार्केट उसको जैसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और जैसे कि मार्केट को, यानी जो रिटेलर्स है या हम लोग जैसे कि रिटेलर्स है, उनको जो कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा है, और अगर कोई शॉर्ट सेलिंग फर्म हमको बार बार एक करके मार्केट गिराना चाहता है, तो आजकल FIs से भी स्ट्रांग हम लोग है, यानी कि रिटेलर और हम लोग इन्वेस्टर, तो ये मार्केट को संभालते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर हम देखेंगे कि आज का न्यूज था उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो हम लोग कुछ शेयर देखेंगे जो कि अडानी के। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे से ये कवर हुए, नीचे गए थे, कवरिंग भी अच्छा हुआ है और ज्यादा गिरी नहीं। अडानी ग्रीन देखिए, ये चार्ट पेपर है जो आखिर वाला जो कैंडल है वो, जो कि आज का कैंडल है। यहाँ पे अडानी पोर्ट देखिए, अडानी पावर देखिए। तो जो पहले न्यूज आया था तभी ये शेयर बहुत नीचे गिरे थे, लेकिन आज नीचे गिरने के बाद फिर से इसमें बाइंग हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में फिर से भरोसा लौट के आया है। यहाँ पे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी, और हम लोग रोज निफ्टी भी एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कि मार्केट जो है कि पहले यानी 2008 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है ऊपर, अगर ये 2009 और एक 2008 से टॉप बना के गिरा था, तो ये हाई ऊपर करने के लिए मार्केट को जो है कि 6 साल लगे थे ब्रेकआउट के लिए। उसके बाद कोरोना में भी मार्केट यहाँ से जो है कि कवर हुआ था तो सिर्फ 9 महीने में हुआ था। एक ही हुआ था कि अभी जैसे कि अपना जो है कि म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया, यहाँ पे 20,000 करोड़ पर मंथ SIP आता है। तो अगर ऐसे कुछ न्यूज आता है तो उसे घबराना नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलो कि उसके वजह से मार्केट कभी गिरेगा नहीं, लेकिन मार्केट जब भी गिरता है तो यहाँ पे बायस आ जाते हैं, अपने DIs भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ है, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट का ये लो नहीं ब्रेक करेगा या मार्केट नीचे नहीं आएगा, लेकिन कोई न्यूज आता है तो उसके लिए जरा रुकना चाहिए। मार्केट काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है वो देखना है और आगे मूवमेंट करना है। तो आज जो ये न्यूज का पहला दिन था, मार्केट इसके लिए न्यूट्रल है, तो आगे भी यहाँ पे इसको नेगेटिव में नहीं ले सकता है मार्केट। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है कि पॉजिटिव से, यहाँ पे पॉजिटिव से यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट बहुत ही अच्छा ऊपर जा रहा था, 25,000 से यहाँ पे नीचे आ गया। तो जैसे नीचे आया तो मैंने यहाँ से फिबोनाची निकाला था, और जो है कि 23,350 से लेके ऊपर 25,000, तो ये जो सपोर्ट बन के आ रहा था जो है 23,892, लगभग ये 61 के आसपास से, यानी 24,000 के आसपास से ये कवर हुआ। तो ये हमारा अभी सपोर्ट है नीचे। अगर मार्केट जब भी 23,892 के नीचे क्लोज देना शुरू करता है तो ये नेगेटिव होगा। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 24,400 जो कि मार्केट ने आज ऊपर भी गया था, लेकिन अगर हम लोग आज का कैंडल देखेंगे तो ये न्यूट्रल कैसे बोल सकते हैं। यानी नीचे से भी यहाँ पे बाइंग आया और ऊपर से भी सेलिंग आया था,
लेकिन इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं। कल फिर से अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट जाता है या लो के नीचे जाता है तो नेगेटिव रहेगा, हाई के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो कोई भी इवेंट होता है तो मार्केट बहुत ही ऐसे क्रैश होता है, वैसे आज कुछ भी नहीं हुआ, यानी ये न्यूट्रल जो है कि मार्केट ने लिया है। आगे जाके हम लोग देखेंगे तो हमको जैसे कि निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट टर्म में बाइंग में रहना है तो जो है 24,200 ये इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट पैनिक होता है तो जो लेवल रहेगा वो लेवल हमारे लिए 23,892 रहेगा, जो कि इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग डाउनसाइड मार्केट को समझ सकते हैं। मार्केट का ऊपर का रेजिस्टेंस जो है कि 24,670 ये जो गैप है, तो ये गैप फिल करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा बुलिश भी हो सकता है। कल हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है निफ्टी में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये 5 मिनट का हम लोग चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट अगर देखेंगे तो एक चैनल में ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये चैनल नीचे सपोर्ट का और ऊपर रेजिस्टेंस का भी काम कर सकते हैं। थोड़ा नजदीक आते हैं तो आज का अगर हम लोग ये देखते हैं मार्केट, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने आखिर में यहाँ से एक लो से कवरिंग भी किया, ऊपर एक जो है कि ऊपर मार्केट कवर भी हुआ था, जो मॉर्निंग का लो था उसके ऊपर मार्केट कवर भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यानी नीचे से भी बाइंग है ऊपर से भी सेलिंग है। लेकिन अभी जो मार्केट क्लोज हुआ वहाँ से नजदीक वाला रेजिस्टेंस है ये है 24,394 और नीचे जो सपोर्ट है वो है 24,300। तो 24,300 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, ऊपर बाइंग में 23,394 के ऊपर बाइंग हो सकती है, लेकिन कभी होगी जब भी मार्केट इसके बीच में अराउंड क्लोज ओपन होता है। नेक्स्ट जो है कि हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा जो कि आज का लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से न्यूज़ के बाद भी यहाँ से कवर हुआ है, तो कभी कभी मार्केट अगर नीचे गैप डाउन भी खुलता है और ये लेवल पे देखिए कि ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एज अ सपोर्ट कोई सपोर्ट ऐसा कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा मार्केट का ये होगा आज का हाई, तो यहाँ पे भी देखिए कि ये ऊपर वाला जो है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो है कि दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और ये नज़दीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको ऐसे यूज करने चाहिए, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होकर रिटेस होता है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे आके ब्रेकआउट नहीं करता लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनाता है जैसे कि ऐसे कैंडल, तो बाय भी करना चाहिए। तो आप लेवल देख लीजिए कल कैसे वर्क करते हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का टॉप लॉस 49,654 है, जो कि हम लोग पॉजिटिव का टॉप लॉस हम लोग बोल सकते हैं। ऊपर देखिए कि बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 50,685 यहाँ पे कोशिश तो किया था कि ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाया। ये जो गैप फिल करता है 51,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव होगा, और बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी ने भी लगभग ये न्यूट्रल रिएक्शन दिया है जो कि हिडनबर्ग का जो न्यूज था उसके ऊपर, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे रिटेलर और जो कि इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पे मार्केट के ऊपर है। कल जाके मार्केट कभी गिर भी सकता है ऐसे नहीं है, बट आज गिरा नहीं है इसकी बहुत खुशी है। तो हम लोग कल देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर ए लेवल पे ओपन होता है तो बाय करेंगे 50,685 के ऊपर और सेल करेंगे 54,38 के नीचे जाते तो हम लोग सेल करेंगे। नेक्स्ट लेवल भी यहाँ पे देख लीजिए 51,36 है, जो है कि आज यहाँ से बाइंग आया था, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी, तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी हम लोग देखेंगे तो एक पॉजिटिव क्लोज दिया है, ऊपर उसका रेजिस्टेंस है 23,119 और नीचे सपोर्ट है 22,861, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसने सपोर्ट लिया है। इसमें भी इंट्राडे करना है तो हम लोग देखेंगे, तो फिन निफ्टी में हम लोग सेल करेंगे 22,964 के नीचे जाता तो, और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 23,077 के ऊपर जाता तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ दो स्टॉक आपको बताने वाला हूँ जो कि कल हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, हम लोग बाय करेंगे 133 के ऊपर और 137 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ सकता है। दूसरा कि एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे देखिए कि प्राइवेट बैंक आज अच्छा कर रहे थे और एक्सिस बैंक ने एक अच्छा ये जो कि राउंडिंग बॉटम बनाया और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया 1169 के ऊपर, हम लोग बाय करेंगे 1194 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही फ्यूचर और ऑप्शन लाइव मार्केट में मेरे साथ सीखना है तो 16 तारीख से हमारा लाइव मार्केट का फ्यूचर और ऑप्शन एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स शुरू हो रहा है।
जिनको भी इंटरेस्ट है दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और भी कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।